This lecture is for BSc second year students. Students, in our last lectures we have studied about double refraction phenomena. Students, in this lecture we will explain the postulates or the assumptions which are made by Huygen for the double refraction. Students, आपने 12th class में पढ़ा था कि Huygen ने एक wave theory दी थी, ठीक है? उस wave theory के accordingly हमारे पास क्या बात थी कि एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट, प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर विल एक्ट एज ए न्यू सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस, और उस पॉइंट को, उस हर पॉइंट को हमने नाम दिया था वेवलेट, सेकेंडरी वेवलेट, ठीक है? एंड आल्सो दिस विल ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, एंड ए टेंजेंशियल सरफेस टचिंग टू ऑल दीज वेवलेट्स विल एक्चुअली बिहेव एज सेकेंडरी वेव फ्रंट. तो ये बातें आपने प्लस टू क्लास में पढ़ी थी. तो Huygen एक्सटेंडेड हिज थ्योरी फॉर द डबल रिफ्रैक्शन आल्सो. तो उसके बारे में हम कुछ बात करेंगे आज. तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि लाइट कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक light after passing through doubly refracting medium will divide into two points called secondary wavelets. ठीक है, तो these secondary wavelets will act as a source of new wavefront called secondary wavefront. Students, ये बात आपने पहले पढ़ी थी. यहाँ पर मैंने दो wavefront, दो secondary points की बात की यहाँ पर मैंने. तो ये जो दोनों secondary points हैं, ये दोनों के दोनों secondary points से आगे फिर source of disturbance का काम करेंगे. तो फिर ये किसकी तरह behave करेंगे? They will behave as source of secondary wavefront. और these wavefronts are also called ordinary and extraordinary wavefronts. ठीक है, तो इन वेवफ्रंट्स को ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेवफ्रंट्स के नाम से भी हम डिफाइन करेंगे, जानेंगे. ठीक है, अब स्टूडेंट्स, ये आपको पता है कि जो डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल होता है उसमें जो दोनों वेवफ्रंट पैदा होंगे, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीड्स के साथ है. क्योंकि डबल रिफ्रैक्शन होता है तो उसमें ऑर्डिनरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो पॉइंट्स बनेंगे उनसे जो डिस्टर्बेंस ट्रेवल करेगी वो स्पीड उसकी क्या होती है, डिफरेंट होती है. तो हमारा जो पहला पॉइंट था वो ये था, वेवलेंट्स और वेवलेट और वेवफ्रंट के बारे में था. दूसरा जो पॉइंट है वो ये बताएगा कि, दूसरा पॉइंट हमें क्या बता रहा है कि द ऑर्डिनरी वेवफ्रंट
will travel with the same speed, same velocity in all direction. Okay. So it is spherical. तो ये कैसा होगा? Spherical wave front होगा, ठीक है? इसी प्रकार से जो तीसरा पॉइंट है वो extraordinary wave front के बारे में बताएगा. The extraordinary wave front will travel with different velocities in different directions of crystal. So it is ellipsoid. तो elliptical shape का होगा, ellipsoid type का होगा, तो ये wave front हमारा extraordinary वाला रहेगा, ठीक है? तीसरी बात जो इसके अंदर है, ये fourth point of wave theory है कि since both wave front will have same velocity, will have same velocities along optic axis. Since both wavefront will have same velocities along optic axis, so they will touch each other on optic axis. तो क्योंकि दोनों वेव फ्रंट के आपको पहले भी बताया गया था कि अगर ऑप्टिक एक्सिस के एक पर्टिकुलर हाइपोथेटिकल डायरेक्शन होती है क्रिस्टल प्लेन के अंदर, तो उस एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर अगर मिलेंगे तो दोनों वेव फ्रंट, तो वो इसलिए मिलेंगे क्योंकि उस ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग जो दोनों की दोनों ऑर्डरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव्स होती हैं उनकी जो स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, वो क्या होती है? सेम होती है. तो ये जो फोर्थ पॉइंट था ये था. और लास्ट पॉइंट क्या है हमारा कि अब क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट स्पीड्स हैं तो डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज भी होंगी, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिफरेंट डिफरेंट होता है, आपको पहले ही बता दिया गया था. तो लास्ट पॉइंट हमें ये बताएगा कि आपको मैंने बताया था दो टू टाइप ऑफ क्रिस्टल बताए थे, नेगेटिव और नेगेटिव क्रिस्टल. नेगेटिव क्रिस्टल की अगर हम बात करें, फॉर नेगेटिव क्रिस्टल VE इज ग्रेटर देन VO, वेलोसिटी ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव फ्रंट इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ऑर्डिनरी वेव फ्रंट. सो एलिप्स लाइज आउटसाइड द स्फीयर. तो जो स्फेरिकल वेव फ्रंट था ऑर्डिनरी वाला, या ये कह लो दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव फ्रंट लाइज आउटसाइड ऑर्डिनरी वेव फ्रंट. ये आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है? फॉर पॉजिटिव क्रिस्टल, पॉजिटिव क्रिस्टल में वेलोसिटी ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेस देन होती है वेलोसिटी ऑफ ऑर्डिनरी से. दिस इंप्लाइज एलिप्स लाइज
inside the sphere. तो ये बात आपको समझनी है कि किस प्रकार से दोनों वेव फ्रंट ट्रेवल करते हैं डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में. तो अगर मैं इन पॉइंटों को रिप्रेजेंट करूं तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर ये हमारी ऑप्टिक एक्सिस है स्टूडेंट्स, तो हमारा क्योंकि स्फेरिकल वेव फ्रंट जो ऑर्डिनरी वेव फ्रंट है वो स्फेरिकल सिमेट्रिकल होता है, तो ये मान लिया पॉइंट सेंटर है तो इसके अलोंग ये स्फेरिकल सिमेट्रिकल वेव फ्रंट. तो ये वाला कौन सा हो गया हमारा ऑर्डिनरी वेव फ्रंट, ठीक है. और इस दूसरी ये बात बताई कि नेगेटिव क्रिस्टल, अगर हम यहां पर बात करें नेगेटिव क्रिस्टल अगर ये है तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंगली जो दोनों इस और इससे पहले वाले पॉइंट के अकॉर्डिंगली कि दोनों के दोनों जो वेव फ्रंट हैं वो कहां पर मिलेंगे ऑप्टिक एक्सिस पर, क्योंकि इस एक्सिस के अलोंग उनकी स्पीड क्या रहती है वेलोसिटी क्या रहती है सेम रहती है, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या रहेगी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला जो है वो एक्सीड कर जाएगा, तो वो इलिप्सॉइड इस टाइप का बनाएगा. तो ये जो डायग्राम है आपका ये नेगेटिव क्रिस्टल के केस में जब उसमें से डबल रिफ्रैक्शन होगा और वेव फ्रंट ट्रेवल करेंगे, तो ये क्या है हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव फ्रंट. और पॉजिटिव क्रिस्टल का अगर हम यहां पर लें पॉजिटिव क्रिस्टल में क्या होता है स्टूडेंट्स, वही ऑर्डिनरी वाला तो स्फेरिकल सिमेट्रिकल ये ऑप्टिक एक्सिस है, ठीक है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला क्योंकि वो अब स्पीड उसकी कम है वेलोसिटी उसकी कम है तो लाइज इनसाइड लिप्स लाइज इनसाइड द सफियर. तो ये आपका ऑर्डिनरी वेव फ्रंट और ये वाला आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव फ्रंट है. तो आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों के दोनों क्रिस्टल्स के अंदर किस प्रकार से डबल रिफ्रैक्शन के बाद वेव्स ट्रैवल करती हैं वेव फ्रंट ट्रैवल करते हैं. तो ये थे स्टूडेंट्स हाइगेन थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स जो हम आगे अप्लाई करेंगे डबल रिफ्रैक्शन को समझने के लिए, ठीक है. तो अभी हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से ये हाइगेन थ्योरी का जो एक्सपेरिमेंट हुए ये जो डबल रिफ्रैक्शन के जो एक्सपेरिमेंट हुआ इसको हाइगेन थ्योरी से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है. तो एक्सप्लेनेशन ऑफ द डबल रिफ्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ हाइगेन थ्योरी, ठीक है, ये बात हम पढ़ेंगे. तो इसके लिए स्टूडेंट्स लेट अस कंसीडर ए यूनिएक्सियल नेगेटिव क्रिस्टल That is your calcite crystal. इसका मतलब हम क्या लेंगे calcite crystal ले लेते हैं, ठीक है. And we are trying to explain the phenomena of double reflection through this calcite crystal. तो students हम इस पूरे के पूरे topic को समझने की कोशिश करेंगे इस calcite crystal के माध्यम से. तो क्या होगा क्या हमें समझ में आएगा, तो पहले हम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स को लेंगे स्टूडेंट्स. इसके लिए हम जो लाइट का वेव फ्रंट यूज करेंगे हाइगेन थ्योरी में उसके दो प्रकार के इंसिडेंट्स यूज करेंगे, एक तो ओब्लिक इंसिडेंट्स और एक लेंगे नॉर्मल इंसिडेंट स्टूडेंट, ठीक है. तो ओब्लिक इंसिडेंट्स में क्या होता है आपको पता है अगर ये सरफेस है तो इस पर लाइट गिरेगी तिरछी, तो इस प्रकार से जो लाइट गिरती है वो इंसिडेंट्स कौन सा है आपका ऑब्लिक इंसिडेंस, ठीक है. और ये अगर सरफेस है एक्स वाई और इसके ऊपर लाइट अगर ऐसे गिरती है हमारा वेव फ्रंट ऐसे आता है तो ये कौन सा होगा हमारा नॉर्मल इंसिडेंस. तो इस टॉपिक को हम दोनों तरीके से दोनों इंसिडेंस के लिए समझेंगे. तो अब आपको ये पूरा समझना है तो इसके लिए मैं पहले डायग्राम बना देता हूं, ठीक है. डिफरेंट डिफरेंट केसेस के हम डायग्राम बनाएंगे और फिर उनको स्टडी करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स. तो देखिए आपको डायग्राम से ही हर बात समझ में आ जाएगी, ठीक है. तो मैं डिफरेंशिएट करता हूं दो डायग्राम एक साथ, एक नॉर्मल यहां पर मैं लिख देता हूं ओब्लिक इंसिडेंस
और यहां पर मैं लिख देता हूं नॉर्मल इंसिडेंस। इस बच्चे को टॉपिक समझना है उसके लिए डायग्राम को समझना जरूरी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो डायग्राम अगर आपको समझ में आ जाता है तो बेसिकली मोस्टली आपको उस टॉपिक के बारे में कंप्लीट जानकारी हो जाएगी और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं आपके लिए डायग्राम बनाता हूँ कि लेट अस कंसीडर फर्स्ट पॉइंट। हम पहले हम कंडीशन लेते हैं कि कंडीशन क्या लेंगे। तो लेट अस कंसीडर द वेव फ्रंट इज फॉलिंग ऑब्लिकली ऑन ए क्रिस्टल सरफेस हुज ऑप्टिक एक्सिस इज इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस एंड मेकिंग एन एंगल विद द क्रिस्टल सरफेस। कंडीशन स्टूडेंट, कंडीशन का ध्यान में रखना है। कंडीशन क्या है? लेट स्टूडेंट्स फॉर इंटरप्शन, क्या पढ़ रहे थे हम टॉपिक ले रहे हैं स्टूडेंट्स, लेट अस कंसीडर द ऑप्टिक एक्सिस लाइंग इन द plane of incidence and making an angle with crystal surface। तो स्टूडेंट्स हमारा पहला जो पॉइंट है डिस्कशन का वो ये रहेगा कि हमने क्या कंसिडर किया, ऑप्टिक एक्सिस दोनों केसेस में, ऑब्लिक के लिए भी करेंगे यही बात और यही बात किसके लिए करेंगे हम, नॉर्मल इंसिडेंस के लिए भी स्टडी करेंगे। तो देखिए इसके लिए हमने एक सरफेस कंसीडर की एक्स वाई, उसके लिए लेट अस कंसीडर ए सरफेस ऑफ द क्रिस्टल एंड द लाइट, और इसमें कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स की प्लेन ऑफ इंसिडेंस में हमारी ऑप्टिक एक्सिस रहेगी। तो ऑप्टिक एक्सिस भी हमारी मान लिया अगर ये प्लेन ऑफ इंसिडेंस ये है, ये वेव फ्रंट हमारा फॉल कर रहा है, तो अगर ये वेव फ्रंट है हमारा ए बी, ठीक है, तो इसी के अलोंग हमारी ऑप्टिक एक्सिस रहेगी, यानी कि पैरेलल टू बहुत कहीं पर भी हो सकती है, हाइपोथेटिकल है, इस प्रकार से हमने इसको अज्यूम कर लिया, ठीक है। तो ये जो हमारी ये वाली डॉटेड लाइन है ये हमारी क्या है, ठीक है। तो ऑब्लिक इंसिडेंस का पहला केस ले रहे हैं। तो लेट अस कंसीडर ए वेव फ्रंट ए बी फॉलिंग ऑन द सरफेस ऑफ ए क्रिस्टल एक्स वाई हुज ऑप्टिक एक्सिस इज मेकिंग एन एंगल विद द क्रिस्टल सरफेस एंड लाइंग इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो अभी क्या होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये नॉर्मल इंसिडेंस नहीं है, तो ए पॉइंट जब यहां पर पहुंचेगा इस वेव फ्रंट का तो बी पॉइंट नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। तो अब आपने क्या देखा कि B पॉइंट जब इस सरफेस से टकराएगा क्रिस्टल की तो वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड करेगा BC, ठीक है, और BC जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड करेगा वो एयर में कर रहा है मान लिया। तो वेलोसिटी ऑफ द वेव फ्रंट इन द एयर इज गिवन बाय VA। और दूसरी बात, अब क्योंकि A पॉइंट क्रिस्टल से स्ट्राइक कर गया तो जितने टाइम में ये B से C तक पहुंचेगा उतने टाइम में ही A पॉइंट से जो वेव फ्रंट है वो डबली रिफ्लेक्ट होके किसके अंदर चला जाएगा, क्रिस्टल के अंदर ट्रेवल करेगा। क्रिस्टल के अंदर डबल रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो डबल रिफ्लेक्शन में उतने ही टाइम में T टाइम के अंदर, ठीक है, तो
टी टाइम के अंदर क्या होगा स्टूडेंट, इन टाइम टी, ठीक है। तो टी टाइम के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी वो कैसे निकालोगे आप, ठीक है। अब क्योंकि डबल रिफ्रैक्शन हुआ है तो दो पॉइंट होंगे, एक तो ऑर्डिनरी और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो ऑर्डिनरी में इन टाइम टी स्पीड ये कहेंगे वेलोसिटी ऑफ ऑर्डिनरी वेव फ्रंट इन क्रिस्टल इज क्या होगी स्टूडेंट्स, वेलोसिटी ऑफ ऑर्डिनरी वेव फ्रंट इन द क्रिस्टल। तो वो वेलोसिटी क्या मान ली हमने, वी ओ, क्या मान ली, वी ओ मान ली, ठीक है। और टी टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगर हम टाइम कहेंगे बी से सी तक ये गया, वी ए स्पीड से चला, तो टाइम टी एक्चुअली में किसके बराबर आ जाएगा, बी सी अपॉन वी ए, बी सी अपॉन वी ए, यानी कि डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी इज इक्वल टू टाइम। इसी टी टाइम में ए पॉइंट का जो ऑर्डिनरी वेव फ्रंट है वो चला है, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ऑर्डिनरी वेव फ्रंट इज गिवन एज, कैसे दी जाएगी डिस्टेंस, मान लिया वो डी मान लेते हैं, तो डी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑर्डिनरी इंटू टाइम टेकन। तो वेलोसिटी ऑफ ऑर्डिनरी इंटू टाइम टेकन क्या हुआ, बी सी अपॉन वी ए, ठीक है। इसको मॉडिफाई कर देंगे, बी सी अपॉन वी ए अपॉन वी नॉट, ये आपका क्या बन गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन म्यू ऑफ ऑर्डिनरी। तो स्टूडेंट्स ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है, कौन सा वेव फ्रंट ट्रेवल करेगा, ऑर्डिनरी वाला वेव फ्रंट ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब क्योंकि आपको ये पता है, मैंने अभी भी हाइगन थ्योरी के अकॉर्डिंगली बताया कि ये जो ऑर्डिनरी वेव फ्रंट है ये हर दिशा में क्या करेगा, ऐसे ही चलता है, ठीक है, सेम इसी स्पीड के साथ चलेगा, कौन सी के साथ, वी ओ के साथ। तो उसके अकॉर्डिंगली द वेव फ्रंट ट्रेस्ट इज स्फेरिकल सिमेट्रिकल। तो बाई कंसिडरिंग दिस डिस्टेंस एज ए रेडियस एंड कंसिडरिंग द पॉइंट ए एज द सेंटर ऑफ द स्फीयर, वी कैन ड्रा द स्फेरिकल वेव फ्रंट लाइक दैट। तो हमने एक स्फेरिकल वेव फ्रंट को ड्रा कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट हो गया। अब दूसरा कौन सा वेव फ्रंट था, सिमिलरली डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव फ्रंट इन टाइम टी, क्योंकि डबल रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो डी ये डी ओ मान लो, ये डी ई मान लो, तो डी ई क्या आएगी, डी ई आएगी बी सी अपॉन म्यू ई, ठीक है। और ये आपको पता है कि ये जो डिस्टेंस है वो सेम नहीं रहेगी, ठीक है, ये सेम इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि जो स्पीड है किसकी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाले की, वो चेंज होती रहती है। अलोंग द ऑप्टिक एक्सिस दोनों की सेम रहेगी, लेकिन अदर डायरेक्शन में नेगेटिव क्रिस्टल ले रखा है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला फास्ट ट्रेवल करेगा, इलिप्टिकल वेव फ्रंट बनेगा। तो उसका डायग्राम हमारा कैसा होगा, अलोंग द इस पॉइंट, ये पॉइंट जो हमारा पी पॉइंट है, इस ये ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग है ना, एपी ऑप्टिक एक्सिस है, तो इस पॉइंट पर तो दोनों टच करेंगे, अदरवाइज हमारा वेव फ्रंट क्या करेगा, एक्सीड करेगा। तो हम इसका डायग्राम जो बनाएंगे वो कुछ इस प्रकार से हमारा होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा इलिप्टिकल होगा, इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सीड करके चल रहा है, यहां पर ये दोनों के दोनों ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव फ्रंट क्या करेंगे, ट्रेवल करेंगे। अब आपको इन वेव फ्रंट को ड्रा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक टेंजेंट, तो सी पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रा करेंगे। तो सी पॉइंट से जब आपने टेंजेंट ड्रा किया, दैट टेंजेंट विल टचेस बोथ द वेव फ्रंट एट डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स, ये इस पॉइंट पर और ये हमारा पॉइंट ले लिया ई पॉइंट, ठीक है, और ये पॉइंट ले लिया ओ, ठीक है स्टूडेंट। तो जो ये डायरेक्शन है ए ई, ए ई डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ऑर्डिनरी रेज, इनकी ऑर्डिनरी रेज की, और वो आपको पता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट उसमें चलते हैं, तो ये ऑर्डिनरी रेज इस डायरेक्शन में
चलेंगी, ठीक है। और ये वाली जो डायरेक्शन है ए ई, ये हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज हो जाएंगी, ठीक है। तो इनके अंदर हम ये वाले कंपोनेंट लेके चलते हैं जो पैरेलल टू प्रिंसिपल सेक्शन होते हैं। तो देखिए ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल वाले हैं ना ये, तो ये वाले कंपोनेंट हमारे इस डायरेक्शन के लिए। तो आई थिंक आपको अब समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हमारे डबल रिफ्रैक्शन और हाइगन थ्योरी को फॉलो करने से किस प्रकार से हमें डिफरेंट डिफरेंट वेव फ्रंट मिलते हैं, क्रिस्टल के अंदर कैसे लाइट ट्रेवल करती है। तो आपको ये मैंने ओब्लिक इंसिडेंस के लिए करवाया था और ये इसकी मैथमेटिकल कंडीशन थी। तो स्टूडेंट्स अभी हम नॉर्मल इंसिडेंस का डायग्राम बनाएंगे। अब आपको समझ में आ गया है मेरे ख्याल से डायग्राम के हिसाब से। तो जैसे ही हम डायग्राम बनाएंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आएगा कि वेव फ्रंट कैसे ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो नाउ वी विल ड्रॉ अगेन द सिचुएशन। लेट अस कंसिडर स्टूडेंट्स, ये वाली कंडीशन मेंटेन रहेगी, सिर्फ हमने क्या किया है नॉर्मल इंसिडेंस को यूज किया है बस, ठीक है। तो एक्स वाई क्रिस्टल एज इट इज रहेगा, सरफेस ऑफ द क्रिस्टल। नाउ द इंसिडेंस इज नॉर्मल, तो ये जो वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट मान लिया हमारा ये वाला है, ठीक है, ए बी। तो ये ए बी वेव फ्रंट जब इधर से आएगा तो आपको पता है नॉर्मल इंसिडेंस होने की वजह से दोनों के दोनों पॉइंट ए बी और बी बी दोनों के दोनों सेम टाइम पर यहां पर क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। लेकिन क्योंकि क्रिस्टल के बाहर तो इनकी स्पीड अब वो सेम थी और दोनों पॉइंट एक साथ स्ट्राइक किए हैं, लेकिन ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर, दोनों के दोनों पॉइंटों पर जब ये इसके अंदर क्रिस्टल के अंदर ट्रेवल करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट किसके साथ ट्रेवल करेंगे, स्पीड्स के साथ ट्रेवल करेंगे। डिफरेंट वेलोसिटीज होने की वजह से दोनों के दोनों जो वेव फ्रंट होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। तो अभी हम ड्रा करेंगे इसी पिक्चर को दोबारा से। ए पॉइंट पर जब डबल रिफ्लेक्शन होगा इस एक पॉइंट का, तो वही फॉर्मूला डी ओ क्या रहेगी, बी सी बाई म्यू ओ, और डी ई क्या रहेगी, डिस्टेंस बी सी बाई म्यू ई, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम यहां पे ड्रा करेंगे। ये हमारा ऑर्डिनरी हो गया। अच्छा आपको मैंने बता दिया था ये क्या है हमारी ऑप्टिक एक्सिस, ठीक है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला आपको पता है यहां पे टच करता हुआ जाएगा, उसके बाद इसी प्रकार से हम यहां पर इसको ड्रा करेंगे। तो इस प्रकार से दोनों के दोनों वेव फ्रंट हमने दोनों केसेस में ड्रा किए। तो अभी हम क्या करेंगे, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दोनों के लिए एक पैरेलल, जब हमारा नॉर्मल इंसिडेंस है क्योंकि एक साथ दोनों स्ट्राइक किए हैं, तो इसके दोनों के दोनों जो ऑर्डिनरी दोनों पॉइंटों के लिए ये वाला वेव फ्रंट जो है ऑर्डिनरी वेव फ्रंट है और ये वाला क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव फ्रंट। तो दोनों के लिए हम ड्रा करेंगे एक प्लेन, टेंजेंट प्लेन, सरफेस टचिंग टू दीज पॉइंट्स। तो एक ये जो पॉइंट है ओ वन ओ टू, ओ वन ओ टू क्या बना आपका, एक टेंजेंशियल सरफेस, तो जो किसकी तरह बिहेव करेगी, ऑर्डिनरी वेव फ्रंट की तरह बिहेव करेगी। और एक सरफेस हमारी, इसको थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देते हैं, दूसरी क्या है E1 E2, तो ये होगी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारी दोनों की दोनों ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो यहां से ये इसको इस पॉइंट पे टच कर रही है, तो ये जो लाइन ड्रा की है मैंने ये तुम्हारी ऑर्डिनरी रे हो जाएगी, ठीक है। और यहां पर जो टच कर रही है ये क्या हो जाएगी, तुम्हारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे। इसी प्रकार से यहाँ पर जो हो जाएगी वो ऑर्डिनरी रे, और यहाँ पर ये थोड़ा रफ डायग्राम है स्टूडेंट्स, इसको अच्छे से बना सकते हैं आप, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, ठीक है। तो और इसके अलावा आपको कंपोनेंट्स का भी पता है कि ऑर्डिनरी वाले कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट होते हैं, तो ये वाले कंपोनेंट ऐसे ट्रेवल होंगे और ये वाले कंपोनेंट ये वाले
तो अब आपको मेरे ख्याल से पूरा पिक्चराइजेशन समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हाइगन थ्योरी डबल रिफ्रैक्शन के ऊपर काम करती है और ये वाले कंपोनेंट। तो ये एक पर्टिकुलर केस को हमने स्टूडेंट स्टडी किया, अगर आपको ये वाला केस समझ में आता है तो आप बाकी केसेस को भी सिर्फ डायग्राम से समझ सकते हैं, उनके लिए कुछ नहीं लिखना। अभी मैं आपको डायग्राम बना के बताऊंगा सिर्फ, ठीक है? तो उन डायग्राम से आपको समझना है, कंडीशन लिखेंगे हम और ऐसे ही नॉर्मल और ओब्लिक इंसिडेंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम हम बनाएंगे, ठीक है? और उससे हम सारे टॉपिक को एनालाइज करेंगे। दूसरा केस जो है स्टूडेंट्स हमारा, दूसरे केस में कंडीशन क्या है सेकंड पॉइंट की, तो इसके अंदर हमने क्या करना है, सेकंड में स्टूडेंट से अब हमें क्या लेना है, ऑप्टिक एक्सिस। ऑप्टिक एक्सिस इज पैरेलल टू क्रिस्टल सरफेस एंड लाइंग इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। ये आपको बात समझनी है कि इस केस में क्या है, ये टॉपिक की ये जो मेन हेडिंग है ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है? तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है स्टूडेंट्स, ये क्रिस्टल सरफेस मैंने ले ली दोनों इंसिडेंट्स के लिए, मैं एक साथ ही ड्रा कर रहा हूँ। अब ये सरफेस आपको पिक्चर मिल जाएगी, अब ये एक्स वाई सरफेस है, ठीक है? फर्स्ट है हमारा ओब्लिक इंसिडेंस, तो ओब्लिक इंसिडेंस में हमारा क्रिस्टल के ऊपर जो वेव फ्रंट फॉल करेगा ए बी वो ऐसे गिरेगा, और नॉर्मल इंसिडेंस में हमारा क्रिस्टल के ऊपर जो फॉल करेगा वो होगा ए बी ऐसे। तो आपको ये पिक्चर समझ में आई होगी, ठीक है? अब स्टूडेंट्स इससे मैंने ये क्या कहा, ऑप्टिक एक्सिस इज पैरेलल टू क्रिस्टल सरफेस, तो यानी कि ऑप्टिक एक्सिस ये है यहाँ पर इसके अलोंग है, तो ये वाली जो इस डायरेक्शन में हमारी ऑप्टिक एक्सिस है स्टूडेंट्स, ठीक है? इधर भी हम ये ड्रा कर देते हैं, तो ये डायरेक्शन रहेगी हमारी ऑप्टिक एक्सिस की, ठीक है? इधर भी हम लिख देते हैं ऑप्टिक एक्सिस। तो ये बात आपको समझ में आई, तो अब क्या होगा, वही आपको मैकेनिज्म फिर से समझना है दोनों केसेस में। जब ये दोनों पॉइंट स्ट्राइक करेंगे डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज के साथ ट्रेवल करेंगे, तो इनका जो इस केस में आपको बनाना होता है वही स्पीड डी ओ, डिस्टेंस क्या आ जाएगी बी सी अपॉन म्यू ओ, और डी ई क्या आ जाएगी बी सी अपॉन म्यू ई, ठीक है ना? तो इसके बेसिस पे आप क्या डायग्राम बनाएंगे, ये डायग्राम बनाएंगे, ठीक है? ये तो ऑर्डिनरी के लिए, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब देखिए कहाँ पर ये दोनों टच करेंगे, ये आपको बेसिकली बात याद रखनी है कि कहाँ पर टच करेंगे। अब ऑप्टिक एक्सिस यहाँ पर है, तो इस पॉइंट पर टच करेंगे और इस पॉइंट पर टच करेंगे, तो इन दोनों पॉइंटों पर दोनों वेव फ्रंट टच करेंगे, और हम इस प्रकार से इसको ड्रा करेंगे। तो आपको ये पिक्चर समझ में आई होगी, ठीक है? अब उसके बाद क्या करना है आपको, यहां से बी पॉइंट, ये सी पॉइंट है, तो सी पॉइंट से टेंजेंट ड्रा करेंगे आप इस इंसिडेंस के लिए, और सी पॉइंट से ही इस वेव फ्रंट के लिए भी टेंजेंट ड्रा करेंगे, ठीक है? तो अब ये जो लाइन है, ये जो लाइन यहाँ पर ड्रा हुई, ठीक है, और एक लाइन यहाँ पर ड्रा हुई, ठीक है? तो इन दोनों डिफरेंस, इन दोनों लाइनों के बीच में बेसिक डिफरेंस है, तो ये वाली जो लाइन है जो नीचे वाले वे फ्रंट सेट, तो ये वाली जो लाइन है यहाँ पर, ये हमारा क्या है, ऑर्डिनरी रे की तरह बिहेव करेगी, ऑर्डिनरी रे, और ये वाली जो लाइन है ये हमारी क्या हो जाएगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे की तरह बिहेव करेगी। तो आपको ये मेरे ख्याल से डायग्राम सिंपल सा है, वैसे ही मैकेनिज्म अगर समझ में आया हुआ आपको किस प्रकार से टेंजेंट ड्रा करके हमने ये बनाना होता है, तो ये तो आपको समझ में आ गया, इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से ये हुआ है। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है उसके अंदर हमने क्या करना है, फिर से हम ओब्लिक के बाद नॉर्मल इंसिडेंस के लिए हम बात करेंगे, तो नॉर्मल इंसिडेंस में भी वही केस, ये हमारा ऑर्डिनरी और
यहां पर दोनों टच करेंगे, ये हमारा एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इसी प्रकार से क्योंकि एक साथ ये दोनों पॉइंट अब जाएंगे तो ये हमारा ऑर्डिनरी, और मैं थोड़ा सा इसको बना देता हूं, और ये हमारा एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेव फ्रंट है। ठीक है, तो अब आपको ये O1, O2 और E1, E2, ठीक है, तो ये दोनों के दोनों डायग्राम समझ में आए। तो यहाँ पे अब आप क्या देख रहे हैं कि दोनों के दोनों वेव फ्रंट एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, पर दोनों में डिफरेंस क्या है, यानी कि दोनों वेव फ्रंट एक साथ चलेंगे लेकिन दोनों की वेलोसिटी में डिफरेंस होने की वजह से दोनों वेव फ्रंट, जो दोनों रेज हैं, वो अलग अलग स्पीड से चलेंगी और आगे चलेंगी, इसलिए उनके बीच में क्या होगा, एक पाथ डिफरेंस जरूर होगा। ठीक है, तो इसी लाइन पर हम क्या दिखाएंगे, इसी लाइन पर हम